वाले समय में आप लोग हमें लगता है कि किसी ना किसी भयंकर बीमारी के अवश्य शिकार होने वाले हैं। तो यमुनानगर में एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है, एक जरूरी अपडेट मैं आप लोगों के सकते हैं। यहाँ ऊपर भी है, ऊपर भी है, चिप्स का स्टॉक रखा हुआ है, चारों तरफ नमकीन नजर आ रही है। यहाँ तक की जो आलू आलू यमुनानगर के तेजली स्टेडियम के पास स्थित आलू के चिप्स व नमकीन बनाने वाली फैक्ट्री में रेड हुई है, जिसमें इन्हीं गंदे व गले सड़े आलुओं से चिप्स और नमकीन बनाई जाती थी। ये देखिए चिप्स के पैकेट, चार पैकेट चिप्स बनाए जा रहे हैं और यहाँ काम कर रहे लोग इन हालात में हैं। सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर हैं, यहाँ के सैंपल लिए जा रहे हैं। लंबे समय से यह फैक्ट्री काम कर रही थी, यहीं से बने आलू के चिप्स व नमकीन आप खाते होंगे। देखें किस तरह के इंतज़ाम है, स्वास्थ्य के लिए किस तरह का इस्तेमाल होना चाहिए और किस तरह से यह पैकेट यहाँ रखे गए हैं, इसी को लेकर सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी, शिकायत आई थी, उसके बाद रेड की गई। यहाँ से सैंपल लिए जा रहे हैं, वो टेस्टिंग के लिए भेजे जाएंगे, जिससे पता चलेगा कि यह मनुष्य के खाने लायक थे कि नहीं, अगर थे तो इससे क्या नुकसान हो सकता था। यह सारी चीज़ें सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएंगी। आने वाले दिनों में नवरात्रे आ रहे हैं, जिसमें लोग इन चिप्सों का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी संख्या में चिप्स बिकते हैं, नमकीन बिकता है, लेकिन वो क्या खाने लायक होता है कि नहीं, यह जांच का विषय हो सकता है। फिलहाल आलू की स्थिति देखिए, इन्हें देखने से नहीं लगता कि यह खाने लायक होंगे, गले सड़े आलू हैं, बदबू आ रही है, खड़ा रहना भी यहाँ मुश्किल है। अधिकारी पहुँचे हैं, स्वास्थ्य विभाग के भी, सीएम फ्लाइंग के भी अपना काम कर रहे हैं, रिपोर्ट तैयार हो रही है, जो लैब में भेजी जाएगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। उधर फैक्ट्री मालिक ने हरियाणा उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष को इसकी सूचना दी। उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र कुमार मित्तल अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं। उनका कहना है कि सरकार व्यापारियों पर छापेमारी रेड कर रही है, यह अच्छी बात नहीं है। सीएम फ्लाइंग को और कोई काम नहीं है, सीएम फ्लाइंग को चाहिए कि कई गंदे नाले नहर में गिर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, उसे बचाया जाए। पहले सुनिए सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर क्या कहते हैं। आलू के चिप्स के और जो खराब आलू उसके, तीन चीज़ों तेल के भी सैंपल लिए हैं। हाँ, तेल के अभी नहीं लिए सर, बेसर बाकी सामान ठीक है, बाकी सामान ठीक है, कंपनी का माल है बाकी। महेंद्र कुमार मित्तल क्या कहते हैं। चड्डा साहब जी का फोन गया कि मेरे पास सीएम फ्लाइंग वाले आए, तो सीएम फ्लाइंग तो अपने हिसाब से आएगा, देखो उनका तो काम है, और उद्योग व्यापार मंडल का काम है कि काम अच्छा हो, बचाया जाए, हर आदमी बचे। क्यों, मेरा व्यापारी आज बड़ा कर्ज के नीचे दब चुका है, व्यापारी का ये पता नहीं साल चलेगा, दो साल चलेगा, काम करेगा नहीं करेगा, बच्चे भूखे मरेंगे या जिएंगे, अभी व्यापारी असमंजस में है। तो हमने यही अंदर जो ऑफिसर बैठे इनसे बातचीत की, भाई वो कहने लगे आलू खराब है, ठीक है जो खराब है आलू ब्याह जाते हैं दो दिन में, इनको पाँच चार दिन का रखना पड़ता है सौदा, आलू तो ब्याहेंगे दो दिन में तो घर में भी आ जाते हैं आलू, तो ये कम से कम आलू लाएं, कम से कम ऐसा सामान लाएं जो खराब होने वाला, ऐसा है ये आलू इसमें से कुछ दाने भी आए हुए हैं, आलू खराब है, 10% आलू खराब है, लेकिन इसको भी हम है ना प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में मेरा कोई व्यापारी मित्तल साहब क्या पैमाना 10% खराब है, क्या पैमाना से मापा है? पैमाना ये जो ब्याया हुआ है ना, ये ब्याया हुआ है, इसमें से एक भी आलू साफ छाटी आप? नहीं, साफ तो सारे ही है, साफ छाट लो आप, क्या इससे आप सब्जी बना के खा सकते हैं? ऐसा है जो बिना ब्याय आलू है ना, उसको खाए भी जा सकते हैं, मैं खाते हैं हम लोग, जो ब्याय हुए हैं वो फेंक देने चाहिए,
ये तो नियम कानून है, लेकिन आगे आज व्यापारी की हालात खराब देखते हो, हम मान लो कहीं ना कहीं कमी है। कमी तो देखो व्यापारी की सारी है, व्यापारी का बच्चा बनना ही कमी। ऐसा नमकीन बनती है बेसन की, बेसन ठीक है, बड़े आलू गलत है, ये नहीं होने चाहिए। हमारी यमुना माँ है, उसमें 600 नाले टॉयलेट गिर रहे हैं। सीएम फ्लाइंग वहां भी आनी चाहिए, निगम पे छापे मारे, वहां तो कोई आता नहीं। ये यहाँ आगे, जबकि कल टेलीविजन में बता रहे थे 600 नाले यमुना में गिर रहे हैं। तो मित्र साहब, ये चिप्स बनाए जा रहे हैं, गलत नहीं है? ऐसा आप भी खाओगे नवरात्रों में? अगर गलत आलू की चिप्स बन रही तो गलत।